थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है आज, क्योंकि सब सब प्लान मेरा चौपट हो गया। क्या लाए हो मेरे लिए? मेरा तो नहीं है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो क्या मैं खोल के देखूं क्या क्या है इसमें? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और सुबह सुबह आप लोगों का भी काम हो गया होगा जैसे कि मेरा हो गया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:05 और मेरा सारा काम आज का कंप्लीट हो गया है। बस मैंने नाश्ता नहीं किया है और अभी अभी बस पूजा करके ही आई हूँ, और अब मैं करूँगी नाश्ता, लेकिन नाश्ता मेरा अभी तक बना नहीं है, तो मैं अब जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। डूडू को मैंने लंच पैक करके दे दिया, नाश्ता बना के दे दिया, तो वो बस चला गया है और मैं अब खुद के लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो आज उतना झंझट है नहीं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड टोस्ट। तो चलिए फिर जाते हैं, ब्रेड टोस्ट बना लेते हैं और झटपट से खा लेते हैं। तो मैं फटाफट से डीम टोस्ट बना ले रही हूँ, और डीम टोस्ट बनाने के लिए मैंने 2 डीम लिए हैं, और प्याज मेरा पहले से ही काट के रखा हुआ था क्योंकि मैंने डूडू के लिए भी बनाया था। तो एक्चुअली ये डीम टोस्ट मेरी सासू मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उन्हें बहुत पसंद है, बोल सकते हैं कि उनका फेवरेट डिश में से एक डिश है ये। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा, तो मैं फटाफट से खा लूँगी। और ये रेडी है, बन चुका है, और मैं इस पे दे दूँगी चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रेडी है, चलिए फिर खा लेते हैं। तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे सुकून से बैठ के खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जो काम मैं कंटिन्यूसली कर रही थी, अभी जाके मुझे टाइम मिला है बैठने का। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देख के। तो खाने के बाद और भी मेरे लिए काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, मतलब किचन का हालत ऐसा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए देखते हैं अब किचन का हालत। तो देखिए, मतलब सुबह से लेके अभी तक का किचन का ये हालत होके रखा है, और मैं फटाफट इसे साफ़ कर लूँगी, नहीं तो ये बाद में मुझे और भी करने का मन नहीं करेगा खाना खाने के बाद, अब इतना सारा काम, इतना सारा बर्तन। तो चलिए मिलते हैं साफ़ सफाई के बाद। तो मेरा सारा साफ़ सफाई हो चुका है, मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है यहाँ पे, और बस अब मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर दोपहर का मुझे लंच भी बनाना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 2:00 PM और लंच मैंने अभी तक किया नहीं है, थोड़ा देर बाद मैं लंच करूँगी। और मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है आज, क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी कि घर पे वहाँ पे करवा चौथ करने के लिए, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो 30 तारीख तक यहाँ पे रिटर्न भी आ जाएंगे। तो करवा चौथ पे घर पे रहना नहीं होगा, यहाँ पे रहना होगा, और करवा चौथ घर से बाहर, मतलब यहाँ पे मैं कैसे सब कुछ अरेंज करूँगी, क्योंकि पूजा का इतने सारे विधि होती है, तो मुझे कुछ उतने अच्छे तरीके से पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले मम्मी के साथ किया था, तो मम्मी सब कुछ मुझे बताती है, उसी हिसाब से मैं करती हूँ। और अकेले अकेले कोई भी त्यौहार अच्छा भी नहीं लगता है, खासकर तीज, करवा चौथ, ये सब तो सबके साथ मिलके ही अच्छा लगता है। तो इस बार मुझे यहाँ पे शायद अकेले करना पड़ेगा, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया अपने हस्बैंड से कि किसी भी तरीके से मैनेज करके अगर छुट्टी मिल सकता है तो घर चलने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं घर पे करवा चौथ करूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे लिए इसलिए बन सकती है क्योंकि एक तो मैं व्रत की रहूँगी, और व्रत करने के बाद मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, और सारा पूजा का तैयारी भी मुझे अकेले अकेले ही करना पड़ेगा। तो और मेरा करवा चौथ का कुछ शॉपिंग भी नहीं हुआ है, दुर्गा पूजा का भी शॉपिंग नहीं हुआ है, तो घर जाने के बाद मतलब 10 दिन की छुट्टी में पूजा घूमना भी है, पहले दुर्गा पूजा का शॉपिंग, फिर दुर्गा पूजा घूमने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए, फिर मुझे आने से पहले करवा चौथ का शॉपिंग करना है, क्योंकि एक छोटा सा छोटा चीज़ भी मैं वहीं से लेके आने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे बस का बात नहीं है कि मैं अकेले मार्केट जाऊँ और करवा चौथ के लिए सारा सामान मैं एक एक चीज़ इकट्ठा करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी रहेगा नहीं, और वो रात को घर आएंगे, तो उसके बाद मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होगा।
तो मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ मैं वहाँ से लेके आऊँ। तो भूख भी लग रहा है, जा रही हूँ खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर कपड़े लाने हैं, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, बारिश आ जाए इससे पहले मैं कपड़े ले आऊँगी, वरना इतनी दिक्कत हो जाती है, मतलब एक सूखा हुआ कपड़ा अगर भीग जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और अभी तक मेरे ख्याल से मैंने लगभग 9 बजे के आसपास, मतलब सुबह के 9 बजे मैंने कपड़े डाले थे छत पे, तो अभी तक तो सूख जाना चाहिए। और मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मैं कपड़े लाने जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। मैं अभी बना रही हूँ करेले का भुजिया, क्योंकि मैं अभी करेले का भुजिया खाऊंगी, मुझे करेले का भुजिया पसंद है। और सुबह में मैंने दूध के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाया था, और भी चीज़ें हैं खाने के लिए, तो साथ में मैं करेले का भुजिया बना रही हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है करेले का भुजिया, मुझे एक्चुअली करेले भरवा से ज़्यादा करेले का भुजिया अच्छा लगता है। कितना कुछ सोचा था कि करवा चौथ पे कितना मज़ा आएगा, पूरे फैमिली के साथ करवा चौथ मनाऊंगी, लेकिन मतलब एक छुट्टी की वजह से सब प्लान मेरा चौपट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मेरा शाम का पूजा हो गया है और डूडू आने ही वाला है। डूडू ने कहा था कि आज वो आके मेरे लिए अंडा मैगी बनाएगा, पता नहीं आप देखिए आके पता चलेगा कि वो सच में मेरे लिए अंडा मैगी बनाएगा या फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं कर रही हूँ बेसब्री से अपने डूडू का इंतज़ार, ताकि मुझे आज अपने डूडू का हाथ का गर्मा गर्म अंडा मैगी खाने को मिल सके। तो देखिए, मुझे तो यकीन नहीं है कि वो मुझे बना के खिलाएगा, देखा गया कि उल्टा मुझे ही बना के उसको खिलाना पड़ा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ, और पंखा बंद है, बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है, मतलब कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि मतलब अचानक से ठंड लगने लगता है, फिर अचानक से बारिश बंद होती है तो गर्मी लगने लगती है। मतलब इस बार का वेदर तो सच में कुछ पूरा समझ के बाहर है कुछ। ओ तो मैं घूंघट लेके रखी हूँ, एक्चुअली मैं सांझ देने गई थी तो इसी के लिए माथे पे दुपट्टा रख लिया था। फ्रेंड्स, हमने जो मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया था वो बहुत अच्छा है, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब मुझे यूज़ करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत छोटा मतलब क्यूट सा है, कलर भी बहुत अच्छा है और मसाला भी अच्छे से ही पीस रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे पहले लगा था कि ये इतना ज़्यादा हाई रेंज का नहीं है तो पता नहीं कैसा होगा, मतलब ये जो ब्रांड का है वो हम लोग पहले बार लिए थे और बहुत ही ज़्यादा प्राइस का ये नहीं है, तो हम लोग सोचे कि एक बार लेके देखते हैं कि कैसा होता है। तो लेने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो इसी के लिए मैं रिटर्न भी नहीं कर रही हूँ, मैं उसे रख रही हूँ अपने यूज़ के लिए। और आप लोग भी ले सकते हैं, अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र मिल रहा है तो आप लोग को और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। हम लोगों ने भी ऑफ़र में ही लिया था, काफ़ी कम प्राइस में हम लोगों को मिला, तो जल्दी से आप लोग लीजिए। और आयरन वो भी बहुत अच्छा है, कलर चेंज आया था लेकिन अच्छा है, ये कलर भी अच्छा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हम लोगों को मतलब अपना तीनों प्रोडक्ट जो किचन के लिए मैंने मंगाया था, गैस, मिक्सर ग्राइंडर और आयरन, ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो गैस ओवन हमने अमेज़न से मंगाया था और मिक्सी और आयरन हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो दोनों ही अभी दोनों जगह ही सेल चल रहा है, तो ऑफर प्राइस में मिला है, काफ़ी अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं। क्या लाए हो मेरे लिए? मेरा तो नहीं है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तुम्हारा है, तुम्हें थोड़ी पता है।
तो क्या मैं खोल के देखूं क्या क्या है इसमें? तो चलिए खोल के देखते हैं क्या है। तुमको क्या लगता है? तुम फिर भी दो चीज बोलो, दो चीज बोलो, कोई गेस करके क्या हो सकता है। अब मैं बोल रही हूँ शर्ट है इसमें, ठीक है शर्ट है, देखती हूँ किसका बात सही होता है। और तुमने भी तो एक तो शर्ट ही बोल दिया। तो ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड को मिला है स्कूल से। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम है। तो देखते हैं इसमें क्या है। मुझे जितना लग रहा है इसमें शर्ट है। और डूडू ने बोला कि मतलब कुर्ता का सेट है। तो देखते हैं कि किसका बात सही होता है। तो मैं इसे खोल के देखती हूँ। शर्ट है, तो मैंने सही गेस किया था, इसमें एक शर्ट है। मैं जीत गई हूँ। डूडू गया है फ्रेश होने के लिए, तो मैं उसे बताऊँगी कि मैं फर्स्ट हुई हूँ, मैंने जीता। क्योंकि उसने पहले चॉइस पे रखा था कुर्ता और दूसरे नंबर पे रखा था शर्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ बोला था, वो था शर्ट। डूडू आके फ्रेश हो गया है और वो शायद भूल गया है कि उसने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। उसने मुझसे कहा था मुझे मैगी अंडा खिलाएगा, अंडा मैगी खिलाएगा, लेकिन अभी देख रही हूँ कि उसको याद भी नहीं है। पता नहीं मुझे अंडा मैगी मिलेगा या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मुझे ही ना बनाना पड़े अंडा मैगी। आज मुझे ही बनाना पड़ेगा मैगी, मुझे पूरा डाउट है, पूरा मतलब क्लियर है। कितना दिए, कहाँ से था ये लोग? बाली घाटा। और उस दिन का वहाँ पे रखा हुआ है दो ठो, देखो वहाँ पे, वही तो वहीं पे। अभी टूट जाता। ये सब बाद में भी देख सकते हो। नाम क्या लिखा है पता है? क्या लिखा है? काकी माँ। हट, दिखाओ। कहाँ पे? तो क्या बोलेगा, बच्चा लोग आया था तो काकी माँ ही ना बोलेगा। छोटा छोटा बच्चा लोग है, चंदा के लिए आ रहा है। चुप। हाँ तो तुम भी काकू ही हो। हाँ ये अभी जो दिया उसने काकी माँ लिखा। चुपो तुम, छोटा छोटा बच्चा लोग है, 5-6 में पढ़ता होगा तो काकी माँ ही तो बोलेगा। अंडा मैगी बनाओ, क्यों नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? किस चीज का गुस्सा? चलो बता दो। मैंने सही कहा था कि तुम कोई भी मैगी नहीं बनाओगे। देखे, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने सही गेस किया था कि वो कोई अंडा मैगी बनाने वाला है नहीं, लास्ट में मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए लास्ट में मुझे ही बनाना पड़ा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तो मैं सोची हूँ कि डूडू को बस यही रात को यही खिला के सुलाऊंगी, आज मैं अब रात का डिनर बनाऊंगी नहीं। उसने मेरे साथ चीटिंग किया है, तो मैं तो आज रात का खाना बनाने वाली हूँ नहीं। तो अभी मैंने अंडा मैगी के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है, तो मैं फटाफट से बना के उसको दे देती हूँ। और फ्रेंड, हम हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो मुझे डूडू से लेना है बदला। आज मैं उसे मज़ा चखाऊंगी। तो मैगी मेरा रेडी है, चलिए आज मैं उसको अकेले दे के आती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे आज साथ में खाने वाली हूँ नहीं, मैं हूँ गुस्सा।